किसान भाई लोग के राम राम। हमारा नाम डॉक्टर कृष्ण बिहारी, क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र पटना। ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय के कार्यालय बा, हम वही जो पोस्टेड बने। हम अपना पिछला वीडियो में किसान भाई लोग के वेस्ट डिकम्पोजर बोतल के बारे में, कैसे वो लोग के गोबर के खाद बनावे के बा, कैसे स्प्रे करे के बा, कैसे सीड ट्रीटमेंट करे के बा, ये सब चीज़ के बारे में बतेले रहनी। अब किसान भाई लोग के एक और चीज़ के बारे में हम बतावे के चाहतनी कि जैविक मशरूम के उत्पादन कैसे किसान भाई घर बैठले बैठले कर सकता थे, उनमें कोई चीज़ के खर्च नहीं थे। हम किसान भाई लोग के ये जानकारी देवे के चाहतनी कि जौन वेस्ट डिकम्पोजर के घोल जो तैयार होकेला, घोल के उनमें से करीब 20 लीटर वो लोग ले ली। जैसे कि यहाँ पर ये घोल जो तैयार भेल बा, एमें से 20 लीटर ले करके आ एकरा के दोसर ओमें से 20 लीटर ले करके आ दोसर ड्रम में रख करके और उन्हें 100 लीटर ओकरा के बना देवे के बाद 100 लीटर बनना के बाद में एमे जो भूसा होकेला, गेहूं के भूसा, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ओकरा के काट के आ ओमे डाल देवे के बाद, जिसे में डालल जा रहल बा, किसान भाई लोग देख रहल होई, एमे डाल करके आ एकरा के 24 घंटा ई घोल में छोड़ दी लोग, तो एकरा अंदर ये भूसा जे बाटे, गेहूं के भूसा, ये भूसा में अगर कोई भी तरह के नुकसानदायक अगर कोई जीवाणु बा, वो सब जे बा ख़त्म हो जाला आ वो पूरा एक तरह से स्टरलाइज हो जाला। जैसे अगर इंजेक्शन डॉक्टर देवेला तो इंजेक्शन जे बा पूरा स्टरलाइज रहेला, तब ओमे कोई भी तरह के दोसर जीवाणु ओमे प्रवेश ना करेला। तो वैसे ही एकर पूरा एक तरह से भूसा के स्टरलाइज हो जाला आ ओकरा के 24 घंटा के बाद में एकरा के पूरा पहले हिला करके ओमे पूरा वो डूब जाए। एक डंडा लाओ दिखा दे, पूरा एकरा के चला देवे के बाद, चलेला के बाद में ये पूरा जेबा ओमे अंदर तक जेबा डूब जाई। आ डूब गईला के बाद में एकरा के 24 घंटा बाद एकरा के निकाल करके आ भूसा के छान करके ओकरा के कोनो छायादार स्थान में रख करके ओकरा के सुखावे के बाद, सुखावे के बाद मतलब एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं करे के, ओमे मैंने जस्ट हवा लग जाए, हवा लगला के बाद में ओमे मैंने हल्का नमी बनल रहे के चाहिए। ओकरा बाद में ओकरा के ले करके फिर एक पॉलीथीन के बोरा में रख करके कैसे तैयार करल जाए जैविक मशरूम, वो हम आगे चल के अभी दिखाओ तनी। हाँ, तो किसान भाई लोग के हम बतेनी कि ओमे से ड्रम में से भूसा के 24 घंटा बाद निकलना के बाद में ओकरा के हवा में हवा लगा देला के बाद में ओकरा के ये पॉलीथीन, हाँ किसान भाई लोग के ओमे सुखैला के बाद में भूसा के ओमे मशरूम के बीज जेबा, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकता लोग, वहाँ भी उपलब्ध हो जाला, या मार्केट में भी वहाँ से ले लेने के बाद में वो बीज के ओमे अच्छा से मिक्स कर दी लोग भूसा में, जो भूसा के हवा लगा के सुखावल गया बा, ओमे मिक्स कैला के बाद में वो पूरा भूसा के थोड़ा थोड़ा ले करके एक बड़ा बड़ा सा पॉलीथीन, अभी हम ये दिखा रहे बने किसान भाई लोग के, ये पॉलीथीन में इतना इतना जेबा भर देवे के बाद, भर करके एमे दो तीन जगह छेद कर दिया ही। छेद कैला के बाद में एमे किसान भाई लोग देखी कि हफ्ता दिन बाद एमे वो मशरूम जेबा वहां से निकले के शुरू हो जाए, ओकर ग्रोथ, और कितना बढ़िया ग्रोथ हो रहा बा। घर बैठे बैठा है इतना अच्छा पैसा कमाए के आमदनी किसान भाई लोग के, या महिला किसान जे बाटे लोग, उन लोग अपन आमदनी बढ़ावे खातिर ऐसे कि ये मशरूम के जे एकर गुण जे बा, एकर गुण बहुत ज्यादा बा। एमे विटामिन भरपूर मात्रा में रहेला, एमे फैट बिल्कुल ना होकेला, ये खैला से आदमी के कैंसर जे बा बिल्कुल ना होके, उस चीज के शरीर में दबा देवेला, ओकर ग्रोथ ही नहीं के हो सकत,
और कई तरह के नस वाला जो बीमारी जो होकेला उस सारा बीमारी जो बा ओकरा के खत्म कर देवेला। और एकर मार्केट में भी बहुत अच्छा एकर प्राइस मिलेगा। तो किसान भाई लोग या किसान महिला अगर एकरा के घर में ही अपन बैठे बैठा एकर उत्पादन कर रहल बा तो उ लोग के बहुत अच्छा पैसा भी आमदनी भी मिली और उ लोग खुद एकरा के खाए में भी प्रयोग कर सकता और मार्केट में भी बेच के अच्छा आमदनी बढ़ा सकता थे अपन। किसान भाई लोग के हम एमे एक बात और जोड़े के चाह रहल बानी कि भूसा जब हवा लगावे खातिर जब सुखाई लो ओकरा पहले उ जे घोल जे बा वेस्ट डिकम्पोजर के जे घोल तैयार भेल बा उ घोल से रूम के पोछा लगावे में भी प्रयोग कर सकता लोग। जैसे कोई तरह के चूहा कीड़ा मकोड़ा जिन ई सब निके लग सकत जो जगह पर रखल गेल बा चौकी पर उ चौकी के भी जे बा वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से पोछा लग जाई, जमीन के भी पोछा लग जाई, दीवाल वगैरह में भी स्प्रे करके ओकरा के हल्का हल्का स्प्रे करके वहां पर भी कोई तरह के कीड़ा मकोड़ा जो बा ना लगी एकर हर तरह से मैंने एक तरह से पूरा स्टरलाइज हो जाला। आ ओकर ओकरा बाद में जो बा मशरूम के जो रूम में अगर उत्पादन करे के बा वो करल जा सकता है। ये जैविक मशरूम उत्पादन हुई।